देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहां राजभवन में असम राइफल्स अलंकरण समारोह 2022 के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके तहत गणतंत्र दिवस 2022 के शुभ अवसर पर राज्यपाल स्वर्ण पदक एवं राज्यपाल रजत पदकों से पुरस्कृत विजेताओं को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन द्वारा राज्यपाल स्वर्ण और रजत पदकों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 10 स्वर्ण पदक एवं 7 रजत पदक विजेता हैं। अब मैं राज्यपाल महोदय डॉक्टर हरिबाबू गंगमपति से अनुरोध करती हूं कि वे इन विजेताओं को क्रम अनुसार स्वर्ण पदक और रजत पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं गवर्नर स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम घोषित करती हूं। नंबर 370040, सूबेदार कमल बहादुर राय, 37 असम राइफल्स। सूबेदार कमल बहादुर राय मुक्केबाजी टीम का हिस्सा रहे हैं। आपकी लगन और खेल भावना को देखते हुए आपको DGAR मुक्केबाजी टीम के लिए चयन किया गया, जहां पर आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाए तथा संगठन का नाम रोशन किया। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा व खेल भावना के लिए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार कमल बहादुर राय। नंबर 37199, नायब सूबेदार विमल कुमार रावत, 3 असम राइफल्स। 15 सितंबर 2021 को लैथ गांव में आपने एक संयुक्त ऑपरेशन किया और विपरीत परिस्थितियों में हथियार एवं गोला बारूद सहित कुछ तस्करों को पकड़ लिया, जिसमें एक ऑटोमेटिक राइफल, एक मैगजीन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किया। नायब सूबेदार विमल कुमार रावत को अपने कार्य एवं संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा एवं अद्वितीय उदाहरण पेश करने के लिए राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार विमल कुमार रावत। नंबर 84855, वारंट ऑफिसर दीपक मजूमदार, हेडक्वार्टर IGAR ईस्ट। आपने 22 अक्टूबर 2020 से मुख्यालय IGAR ईस्ट में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। संस्था के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, कड़ी मेहनत व उत्कृष्ट प्रशासन कार्य करने की शैली को ध्यान में रखते हुए इन्हें राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। वारंट ऑफिसर दीपक मजूमदार। नंबर 370040, हवलदार हरीश सिंह, 37 असम राइफल्स। 14 अक्टूबर 2021 को गुप्त सूचनाओं के आधार पर संचालित किए गए एक अभियान के दौरान इनकी सूझबूझ व त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप NSCNK के एक खूंखार उग्रवादी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। आपकी इस सामरिक कौशल और सच्ची कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। हवलदार हरीश सिंह।
नंबर 5022894, हवलदार उज्जवल हजारिका, 12 असम राइफल्स। 26 जुलाई 2021 को आपने लांगलिंग इलाके में नागालैंड और असम में हथियार व गोला बारूद की आपूर्ति करने में शामिल एक अंडरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। आपके द्वारा जब उसे चुनौती दी गई तो वह जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन आपने उसे धर दबोचा और उसके पास से 2 पिस्तौल व गोला बारूद बरामद किया। आपकी इस सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, हवलदार उज्जवल हजारिका। नंबर 5003928, राइफलमैन अभिजीत मोरंग, हेडक्वार्टर IGAR ईस्ट। आपने शाखा के अंतर्गत दस्तावेजों की त्रुटिहीन निगरानी एवं उत्तम पत्राचार की समय सीमा को सुनिश्चित करते हुए एक पेशेवर लिपिक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। संस्था के प्रति आपकी यह सच्ची निष्ठा, कार्य के प्रति लगन एवं विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की उत्तम दक्षता को देखते हुए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन अभिजीत मोरंग। नंबर 5006592, राइफलमैन चंदन मोचारी, 11 असम राइफल्स। आपने DGAR कराटे टीम में प्रशंसनीय कार्य किया और आपको पुलिस मीट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 पदक मिल चुके हैं। आप विश्व चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप तथा एशियाई खेलों में भाग ले चुके हैं। इस गौरवशाली प्रदर्शन के लिए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन चंदन मोचारी। नंबर 5001512, राइफलमैन बलबीर सिंह, 18 असम राइफल्स। आपको मॉल्टूक कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर कंपनी की क्विक एक्शन टीम में मणिपुर के चंदेल जिले में खुफिया इनपुट मिला, तब आपने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 5-6 अक्टूबर की रात 3 बजे भारत म्यांमार सीमा पर तेज गति से आती हुई शक्तिमान गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी के ना रुकने पर वाहन के टायर में गोली मारकर वाहन को रुकने पर मजबूर कर दिया और वाहन की तलाशी में 21 करोड़ रुपयों का नशीला पदार्थ बरामद किया। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन, सामरिक कौशल और कर्तव्य के प्रति निष्ठा व ईमानदारी को देखते हुए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन बलबीर सिंह। नंबर 105316, राइफलमैन गिलांग जिंग मालिंग मेल, 10 असम राइफल्स। 15 जुलाई 2021 को इम्फाल के न्यू चेकानो इलाके में आपकी टीम ने जालियांग रोंग यूनाइटेड फ्रंट के 4 उग्रवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया और संदिग्ध इलाके को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड फ्रंट के 4 उग्रवादियों को पकड़ लिया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया। आपकी इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन गिलांग जिंग मालिंग मेल। नंबर 5018418, राइफलमैन मानेश्वर देओरी, 12 असम राइफल्स।
22 जुलाई 2021 को ऑपरेशन बालीजान के दौरान इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना NSCN गुट के एक उग्रवादी का पीछा करते हुए उसे धर दबोचा, जिसके पास से एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया। शक होने पर आपने अपनी टीम के साथ इस इलाके की घेराबंदी करी, दो अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से दो पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया। आपकी इस दूरदर्शिता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा को देखते हुए आपको राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन मानेश्वर द्योरी। और अब राज्यपाल रजत पदक विजेताओं के नाम। नंबर 183522 नायब सूबेदार निहाल सिंह, 18 असम राइफल्स। 5 अक्टूबर 2021 को बॉर्डर पिलर 72 के पास नारकोटिक्स की तस्करी के संबंध में पुख्ता सूचना मिलने पर 6 अक्टूबर 2021 को लगभग 3 बजे शक्तिमान वाहन से 220 पैकेट में 3 किलोग्राम सफेद हेरोइन बरामद करने में सफलता पाई, जिसकी बाजार में कीमत 21 करोड़ रुपए है। इनके द्वारा किए गए इस उत्कृष्ट कार्य और कुशल नेतृत्व के लिए इन्हें राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार निहाल सिंह। नंबर 5021002 हवलदार राणा प्रताप कोच, हेडक्वार्टर IGAR ईस्ट। इन्होंने हेडक्वार्टर IGAR ईस्ट में ड्यूटी के दौरान प्रशासन शाखा में पूरी जिम्मेदारी और उच्च कोटि की भावना के साथ कार्य किया और इसके साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रखरखाव पर ध्यान दिया। इन्होंने जो भी कार्य सौंपा गया उसे पूर्ण ईमानदारी से निष्पादित किया गया। इनके द्वारा किए गए उच्च कोटि की सेवा के लिए इन्हें राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। हवलदार राणा प्रताप कोच। नंबर 174148 हवलदार गुरजिंदर सिंह, 17 असम राइफल्स। इन्होंने COVID-19 के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ मिलकर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना अद्वितीय कार्य किया और अपने निरंतर प्रयासों से कोविड पर नियंत्रण किया। इनके समर्पण की भावना और अनुकरणीय कार्यों को देखते हुए इन्हें राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। हवलदार गुरजिंदर सिंह। नंबर 184387 हवलदार धन सिंह, 18 असम राइफल्स। 11 सितंबर 2021 को 7:30 बजे मॉलटूक से इम्फाल की ओर जा रही यात्रियों से भरी एक कार सड़क के मोड़ पर 150 मीटर गहरे नाले में गिर गई। इसकी सूचना मिलने पर बचाव दल के साथ हवलदार धन सिंह दुर्घटना स्थल की ओर तत्काल पहुंचे और रात का अंधेरा तथा खराब मौसम होने के बावजूद भी रस्सियों के सहारे घायल यात्रियों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। उनकी इस दूरदर्शिता, सेवा के प्रति समर्पण भावना को देखते हुए इन्हें राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। हवलदार धन सिंह। नंबर 371177 हवलदार देशराज, 44 असम राइफल्स। आपने
कोविड-19 के दौरान तामिंगलांग और कांगपोकपी जिले में बटालियन द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य देखभाल की पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मोबाइल टीकाकरण केंद्र की स्थापना और जिले के विभिन्न हिस्सों में यूनिट द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविरों के सुचारू रूप से संचालन में अहम योगदान दिया। इनके इस पेशेवर कार्य और समर्पण भावना तथा निष्ठा को देखते हुए राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। हवलदार देशराज। नंबर 5029251 राइफलमैन प्रदीप कुमार 37 असम राइफल्स। इन्होंने सेवा के दौरान कई ऑपरेशनों में भाग लिया है। 14 अक्टूबर 2021 को एक ऑपरेशन के दौरान पूरी दक्षता के साथ कार्य करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही इस कार्यवाही के दौरान NSCN के गुट के एक कैडर को भी पकड़ा। इनके कर्तव्य के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए इन्हें राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन प्रदीप कुमार। नंबर 5013147 राइफलमैन परवेज इस्लाम 3 असम राइफल्स। 19 अगस्त 2021 को खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान के दौरान हांगुम गांव से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने में सफलता पाई। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण भावना और ड्यूटी के प्रति किए गए कार्य के लिए इन्हें राज्यपाल रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन परवेज इस्लाम। गवर्नर स्वर्ण और रजत पदकों का अलंकरण यहीं समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति माननीय राज्यपाल मिजोरम प्रदेश ने 23 सेक्टर असम राइफल्स के 2 यूनिटों को उनके सराहनीय कार्य हेतु गवर्नर्स यूनिट साइटेशन प्रदान करने का निर्णय भी लिया है। सबसे पहले 2 असम राइफल्स 2 लखीमपुर बटालियन असम राइफल्स ने आइजोल मिजोरम में जुलाई 2021 से अभी तक भारत म्यांमार सीमा पर कार्य करते हुए सभी क्षेत्रों में अति उत्तम प्रदर्शन किया। बटालियन ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिकता समर्पण और करुणा का प्रदर्शन करते हुए भारत म्यांमार सीमा की देखभाल की और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने में असीम सफलता हासिल की। बटालियन ने राज्य में तस्करी के खिलाफ युद्ध में भी अनूठा योगदान दिया और करोड़ों रुपयों के नशीले और प्रतिबंधित सामान हथियार और गोला बारूद जब्त किए। बटालियन स्थानीय लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रही है और अनेकों कार्यक्रम की मदद से आम लोगों में असम राइफल्स फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल की छवि की ओर मजबूत किया है। बटालियन के इस सराहनीय कार्य के लिए इन्हें गवर्नर्स यूनिट साइटेशन से नवाजा जाता है। 2 असम राइफल्स। और अब 8 असम राइफल्स। 8 बटालियन असम राइफल्स हेड हंटर्स ने सरचिप मिजोरम में जून 2019 से अभी तक भारत म्यांमार सीमा पर कार्य करते हुए सभी क्षेत्रों में अति उत्तम प्रदर्शन किया।
बटालियन ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए भारत म्यांमार सीमा की देखभाल उत्तम तरीके से की और अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों नशीले पदार्थ विरोधी अभियान संचालन करते हुए करोड़ों रुपयों के प्रतिबंधित सामान जब्त किए। बटालियन ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थानीय लोगों के साथ ही बेहतरीन संबंध स्थापित किए और सराहना हासिल की। बटालियन के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें गवर्नर्स यूनिट साइटेशन से नवाजा जाता है। 8 असम राइफल्स। अब मैं डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति माननीय राज्यपाल मिजोरम प्रदेश से अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुरस्कृत विजेताओं और आज की इस सभा में सभी उपस्थित के साथ कुछ शब्द साझा करें। शेल्स एंड गेस्ट फ्रॉम द असम राइफल्स, द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज माई ग्रेट प्लेजर टू बी विथ यू ऑल एट दिस Investiture ceremony of the Governor's Gold and Silver Medals to the Assam Rifles personnel. At the very outset, I congratulate all the recipients of the prestigious medals. The Assam Rifles is the boldest paramilitary force in India. In the Northeast, the Assam Rifles are popularly known as Friends of the Hill People, because of the tremendous work done for the safety and welfare of the local people. Particularly in Mizoram, the Assam Rifles is undertaking a huge role in curbing drug menace. It is a matter of great satisfaction to know that 23 sector Assam Rifles has recovered drugs worth several crores of rupees in the past 1 year. The sector has seized multiple arms consignments and apprehended some dreaded insurgents in recent times. The troops of the Assam Rifles in Mizoram have also contributed socially by undertaking numerous civic action projects for the local people. I applaud the Assam Rifles for having conducted various health camps by inviting experts and specialists, doctors in cardiology and others. My compliments to the DAG and all ranks of 23 sector Assam Rifles for the excellent job. I have been given to understand that the present DAG Assam Rifles Mizoram range is getting posted out of the state. I wish him all the best in his future career. I would also like to convey my compliments to him for a successful tenure in the state. For the recipients of the awards and their proud families and friends, today is especially significant. Anyone who has been the recipient of an award knows that it takes complete dedication and sincere hard work. It is also because of the support from your friends and families that you have been felicitated at the solemn ceremony. And so I convey my heartiest congratulations to all those present here today. The Governor's Gold and Silver Medals are presented to the most deserving and meritorious personnel of the Assam Rifles. Earlier, the investiture ceremony for all Assam Rifles personnel was done at Shillong only, the headquarters of the Assam Rifles. In recent times, the ceremony has now been done in the other states of Northeast India as well, where the Assam Rifles are present. It is my privilege to have the opportunity of handing over these awards at Raj Bhavan, Mizoram, for the very first time ever. It is clear from the citations read today
that the recipients have been awarded based on their meritorious actions. It is truly wonderful to have this opportunity to recognize the arduous responsibilities discharged by the individuals who have, in a variety of ways, contributed to the betterment of our nation. I also congratulate the commandant and all ranks of 2 Assam Rifles and 8 Assam Rifles battalions on receiving the Governor's Unit Citation. The award of citation manifests the amount of efforts taken by all ranks of the battalions in their professional assignments to uphold the dignity and sovereignty of our great nation. I thank you for your contributions and congratulate you on receiving this recognition. I am fully confident that you will leave no stone unturned to discharge your valuable responsibilities in future too. Once again, I congratulate all the recipients of the Governor's Gold Medal, Governor's Silver Medal, and Unit Citations. I urge you to continue your noble service and to use this achievement as an inspiration for even greater service to the nation. In conclusion, I commend the Assam Rifles for successfully organizing today's function. Thank you. Jai Hind.